द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ अबनॉर्मल लेबर। लेबर नॉर्मल एंड अबनॉर्मल में हम लोगों ने 10 टीचर के चैप्टर 12 में से नॉर्मल लेबर कर लिया। अब अबनॉर्मल लेबर, अबनॉर्मल लेबर वो लेबर है जिसमें देर इज़ डिले इन सर्वाइकल डायलेशन और डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इट शोज साइंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, फीटल कॉम्प्रोमाइज। व्हाट इज़ फीटल कॉम्प्रोमाइज? जो फीटल डिस्ट्रेस होता है उसे फीटल कॉम्प्रोमाइज ही कहते हैं। 3 P's में से कोई ना कोई मसला है, पावर, पैसेंजर, पैसेज में मसला है। व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ अबनॉर्मल प्रोग्रेस इन द लेबर? देर आर अराउंड 3 या 4 हैं ये अबनॉर्मलिटीज। प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में एक एक्टिव फेज होती है, एक लेटेंट फेज होती है। ये है नॉर्मल लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। ठीक, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज ऑरेंज में, इसमें लेटेंट फेज इज सो मच प्रोलॉन्ग और ये एक्टिव फेज। ठीक, एंड देन देर इज सेकेंडरी अरेस्ट, जिसमें लेटेंट फेज भी नॉर्मल। पहले प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज कर लेते हैं। प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज अकर्स व्हेन द लेटेंट फेज इज लॉन्गर, लेटेंट फेज इट इज लॉन्गर देन द आर्बिट्रेरी, जो उसका टाइम लिमिट होता है उससे नॉर्म ज़्यादा हो गया। इट इज़ मोर कॉमन प्राइमरी पेरस वुमन, प्राइमरी ग्रेविडा में, कि सर्विक्स जो है बहुत स्लोली सॉफ्टन होती है, रिप्लेसमेंट उसकी बहुत लेट जाके होती है। दूसरा है प्राइमरी अरेस्ट। प्राइमरी अरेस्ट दैट इज़ टू इट इज़ अ टर्म टू डिस्क्राइब द पुअर प्रोग्रेस इन द एक्टिव फेज या एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर। एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में 1 cm पर आवर पर सर्विक्स जो है डायलेट होती है, लेकिन अगर लेस देन 2 cm पर 4 hours में सर्विक्स डायलेट ना हो, लेस देन 2 cm ही रहे, तो इसका मतलब है दिस इज प्राइमरी अरेस्ट ऑफ द लेबर, जिसमें जी सब कुछ नॉर्मल जा रहा था बट नाउ सब कुछ नॉर्मल नहीं जा रहा था। लेटेंट फेज नॉर्मल जा रहे थे लेकिन वो कभी एक्टिव फेज में गया ही नहीं, एक्टिव फेज उसकी नॉर्मली आई ही नहीं, तो दिस इज़ द प्राइमरी अरेस्ट। इस कोई भी वजूहत हो सकती है, लाइक सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, मैल पोजिशन, मैल प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस। थर्ड जो अबनॉर्मल पैटर्न है वो सेकेंडरी अरेस्ट है। सेकेंडरी अरेस्ट ये कि लेटेंट फेज नॉर्मल थी, एक्टिव फेज नॉर्मल जा रही थी जो ग्रीन में, लेकिन अचानक एक्टिव फेज में देयर कम्स एन अरेस्ट और इससे ज़्यादा वो बड़ी, जैसे पार्टोग्राम में हमने देखा कि सेकेंडरी अरेस्ट हुआ था। इट अकर्स व्हेन द प्रोग्रेस इन द एक्टिव फर्स्ट स्टेज इज इनिशियली गुड, पहले सब ठीक जा रहा था, एक्टिव फेज भी सही जा रही थी, बट फिर क्या हुआ, इट स्लोज और स्टॉप्स ऑल टुगेदर आफ्टर 7 cm ऑफ डायलेटेशन। ये भी CPD, मैल प्रेजेंटेशन, मैल पोजिशन की वजह से हो सकता है। दिस ऑल एबनॉर्मल पैटर्न्स कॉजेज मटर्नल एग्जॉशन, पेन और फियर। हाउ डू यू मैनेज एबनॉर्मल लेबर? अगर पुअर प्रोग्रेस है इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, या जैसे सर्वाइकल डायलेटेशन इज लेस देन 2 cm इन 4 hours, तो पुअर प्रोग्रेस को अब इन सब चीज़ों को मैनेज करना है। ये पुअर प्रोग्रेस किन वजूहत की वजह से हो सकती है? इट कैन बी ड्यू टू द डिसफंक्शनल यूट्राइन एक्टिविटी, पार्ट प्रॉपरली सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, इसकी वजह से जो है यूट्राइन की सर्विक्स की डायलिटेशन सही तरह से नहीं हो रही है। द पुअर प्रोग्रेस इन लेबर इज सस्पेक्टेड। इट इज़ यूजुअल टू रिकमेंड रिपीट वजाइनल एग्जामिनेशन एट 2 hours rather than 4 hours। नॉर्मली 4 hourly वजाइनल एग्जामिनेशन करनी थी, लेकिन अब एवरी 2 hours करेंगे क्योंकि ये अबनॉर्मल हो गई है लेबर। एंड इफ डिले इज कंफर्म, द वुमन शुड बी ऑफर्ड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। कंट्रोल ARM करते हैं, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो ही होती है तो मोस्ट प्रॉबेबली 24 hours में ही जो है वो डिलीवरी होने लग जाती है। अगर ARM करके भी मसला आ रहा है, पहले एक तो ARM करें एंड स्टिल अगर मसला आ रहा है 2 hours में भी कोई प्रॉपरली डायलिटेशन नहीं हो सकी, तो फिर अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करें और उसे सिंटो लगा दें, ऑक्सीटोसिन लगा दें, इन्फ्यूजन टू ऑगमेंट कंट्रैक्शन। इनिशियली स्लो रेट रखें, 30 मिनट बाद बढ़ा दें, लेकिन फिर और कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग रखें। इन केस जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव यूट्राइन कंट्रैक्शंस, सिंटो इतनी ज़्यादा ऑगमेंट कर दी कि एक्सेसिव यूट्राइन कंट्रैक्शन आ रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में एक्सेसिव यूट्राइन कंट्रैक्शन कैन कॉज यूट्राइन रप्चर। और इवन इफ स्टिल सिंटो लगाने के बावजूद द प्रोग्रेस फेल, तो फिर सीजेरियन सेक्शन ही रिकमेंडेड होता है। सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो, मतलब सेफेलो बच्चे के सर का और पेल्विस जहाँ से निकलना है, पैसेज और पैसेंजर में मसला हो, लाइक इन ऑब्स्ट्रक्टेड हाइड्रोसेफलस, अबनॉर्मली लार्ज फीटल हेड, नेक ट्यूमर, थायराइड ट्यूमर्स, सिस्टिक हाइग्रोमा, तो इस केस में वो पूरी फ्लेक्शन प्रॉपरली नहीं होती, देर इज डीफ्लेक्शन ऑफ द फीटल हेड एंड प्रेजेंट इज अ लार्जर स्कल डायमीटर टू द मटर्नल पेल्विस। ऑक्सीटोसिन में बी गिवन केयरफुली टू द प्राइमरी ग्रेविटा एंड द माइल्ड और टू मॉडरेट जस्ट
के सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है. व्हेन द फीटल हेड इज नॉट एंगेज प्रोग्रेशन इज स्लो और अरेस्ट डिस्पाइट द एफिशिएंट यूट्राइन कंट्रैक्शन. वजाइनल एग्जामिनेशन शोज सीवियर मोल्डिंग इन कैपिट फॉर्मेशन. मैंने बताया था व्हेन देयर इज सीवियर मोल्डिंग, इसका मतलब कि है जो पेल्विस है, पेल्विक आउटलेट डायवर्ट इज इनएडिक्वेट. हेड इज पुअरली अप्लाइड टू द सर्विक्स एंड हिमाचूरिया. मैल प्रेजेंटेशन, द पैसेंजर वो प्रॉपरली जो है उसकी मैल प्रेजेंटेशन है. अ फर्म एप्लीकेशन ऑफ द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट ऑन टू द सर्फेस इज नेसेसरी फॉर गुड प्रोग्नोसिस इन लेबर. अगर फेस प्रेजेंटेशन है वो निकल तो जाएगा, लेकिन ये है कि इट पुअरली अप्लाइज टू द सर्विक्स एंड रिजल्टिंग प्रोग्रेस इन लेबर में भी पुअर. ऑल्दो द वजाइनल ब्रेथ इज स्टिल पॉसिबल. रो प्रेजेंटेशन में निकलना उसका पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेंटो वर्टिकल डायमीटर जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है. अगर जो फीटल पार्ट प्रेजेंटिंग है उसमें मसला हो, जैसे बताया कि ब्रो प्रेजेंटेशन तो नहीं निकल पाती, यहाँ पे फेशियल प्रेजेंटेशन से देख सकते हैं. मैकेनिज्म ऑफ लेबर विद द फेस प्रेजेंटेशन, द हेड डिसेंड्स विद इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, द चेन रीचेस द पेल्विक फ्लोर अंडरगोस फॉरवर्ड रोटेशन. तो फॉरवर्ड रोटेशन से जा रही है एंड हेड इज गॉन बाय फ्लेक्शन. अबनॉर्मलिटीज ऑफ द बर्थ कैनाल पैसेज, CPD मोस्ट कॉमन, या सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट्स में सर्वाइकल डिस्टोशिया. सर्वाइकल डिस्टोशिया अगर बहुत ज़्यादा कुछ सर्वाइकल सर्जरीज हुई हैं, वहाँ स्कैरिंग है, इन नॉन कम्प्लायंट सर्विक्स थी या कौन बायोप्सी हुई थी, तो वो सर्वाइकल डिस्टोशिया के ज़ुमरे में आती है. पुअर प्रोग्रेस इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ये किस वजह से होती है? डिले आती है व्हेन इंटरनल रोटेशन ना हुई हो प्रॉपर मिड पेल्विस में. ठीक, फीटल हेड पैसेज जो है उसका मसला हो गया और उसने प्रॉपरली डिसेंट ऑफ द अरेस्ट ऑफ द डिसेंट एक्सटेंशन के बाद जो इंगेजमेंट के बाद जो डिसेंट आना था उसमें मसला है. एट द लेवल ऑफ द स्किल स्पाइन इन द ट्रांसफर पोजीशन द कंडीशन इज नोन एज डीप ट्रांसफर सर्विस. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मिड पेल्विस में हमारे पास इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, क्योंकि मिड पेल्विस नैरोअर है तो इंटरनल रोटेशन जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉपरली नहीं हो सकी. नाउ द हेड इज़ इन ट्रांसवर्स पोजीशन एट द लेवल ऑफ द स्केल स्पाइंस. वो रोटेट ही नहीं किया, वो ट्रांसवर्स पोजीशन में ही है क्योंकि नैरो मिड पेल्विस थी. दिस इज़ कॉल्ड डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट. और बाय द टाइम डिले इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर हैज़ बीन डायग्नोज, तो नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक ऑक्सीटोसिन शुड नॉट बी स्टार्टेड. हम इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरीज भी कर सकते हैं इफ़ देयर इज प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. या फिर इफ़ द सेफ्टी क्राइटेरिया ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरी सही नहीं है, सेफ्टी क्राइटेरिया इज़ नॉट मेट, इट इज़ नॉट सेफ, तो फिर सीजेरियन सेक्शन के लिए प्रोसीड करें. फीटल कम्प्रोमाइज़ इन लेबर, क्या है फीटल कम्प्रोमाइज़? होती है, ऑब्वियसली होती है. देर कैन बी हाइपोक्सिया, एसिडेमिया, एसिडोसिस हो जाती है. फीटल कम्प्रोमाइज़ में प्रेजेंट एज फ्रेश मेकोनियम और अबनॉर्मल CTG. मेकोनियम इज पास्ट, वैसे तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रीजन की वजह से, बिकॉज GIT मेच्योर हो जाता है तो मेकोनियम को पास करता है. बट फीटल डिस्ट्रेस को हम लोगों ने मॉनिटर करना होता थ्रू CTG. फीटल डिस्ट्रेस को अब नई टर्म सस्पेक्टेड फीटल कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं. रिस्क फैक्टर्स ऑफ फीटल कॉम्प्रोमाइज़ क्या है? प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, FGR, प्री एक्लेम्शिया, प्री मेच्योरिटी, पोस्ट मेच्योरिटी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रोलॉन्ग लेबर, ऑगमेंटेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, हाइपर स्टिमुलेशन, प्रेसिपिटेट लेबर, इंट्रापार्टम एब्रप्शन, कॉर्ड प्रोलैप्स, यूट्राइन रप्चर, डिहेसेंस, मटरनल डायबिटीज, कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, मटरनल पैरेक्सिया, कोरियमनाइटिस एंड ओलिगो एड्रेमनियोस. अब पता कैसे लगाना है कि फीटल कॉम्प्रोमाइज़ में है या नहीं है? पहले तो देखेंगे कि लेकर में जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेकर आ रहा है इसमें कोई मेकोनियम है या नहीं. और अगर मेकोनियम है देन स्टार्ट कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, CTG देखें. इफ़ द मेकोनियम इज़ डार्क एंड थिक तो फिर तो CTG पे लगाए रखें. नोट एनी चेंज इन द हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, फीटल हार्ट रेट विद डिसलरेशन तो नहीं आ रही. ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि फीटल सस्पेक्टेड फीटल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है कि नहीं. CTG कैन बी लेबल्ड एज नॉर्मल, सस्पिशियस और पैथोलॉजिकल. उस लिहाज से लेबल करें कि कितना फीटल कॉम्प्रोमाइज़ है. मैनेजमेंट कैसे? मैनेजमेंट ये है कि अगर मेरा खासा पता लगा कि फीटल कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, सस्पेक्टेशन है, तो आप रीपोजिशनिंग ऑफ द मदर, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, इंट्रावेनस फ्लूइड्स एडमिनिस्ट्रेट कर, रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, करेक्शन ऑफ द एपिड्यूरल एसोसिएटेड हाइपोटेंशन. एपिड्यूरल की वजह से हाइपोटेंशन होती है बिकॉज ये सिंपथेटिक उनको इनहिबिट कर देता. और फिर फीटल ब्लड सैम्पलिंग प्रोसीजर, जैसे मैंने बताया था फीटल ब्लड सैम्पलिंग भी करनी है के देखने के लिए कि एसिडीमिया तो नहीं हुआ है. एंड एमनियोस्कोप इज इंसर्टेड इन द वजाइना, वहाँ से स्कैल्प इज क्लीन्ड एंड स्मॉल कट इज मेड विद द ब्लेड गार्ड के साथ. अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड इज 0.5 ml एंड द नॉर्मल pH वैल्यू इज अबव 7.5. 7.5 से कम होगी इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड है, एसिडिक स्टेट है. 7.20 एंड टू 7.25 इसका मतलब इट इज़ बॉर्डर लाइन.
और इस तरह फिर अगर इफ एन एबनॉर्मल सी टी जी परसिस्ट इन द लेबर देन डिस्पाइट नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ द फीटल, अगर फीटल स्कॉल्प सैंपलिंग नॉर्मल वैल्यूज़ है बट सी टी जी इज़ एबनॉर्मल तो फिर उसे इंड्यूस कर दें और इंड्यूस कर दें डिस्पाइट नॉर्मल वैल्यूज़ फीटल स्कॉल्प सैंपलिंग शुड बी रिपीटेड एवरी 60 मिनट सूनर, और जिनकी ख़राब सी टी जी होती है वैसे ही उन्हें जो है इंड्यूस कर देते हैं अगर चीज़ें ख़राब जा रही हो। रिससिटेशन ऑफ फीटस इन द लेबर, हाउ वुड यू रिससिटेट, मैटरनल डिहाइड्रेशन केटोसिस आर करेक्टेड विद इंट्रावेनस फ्लूइड्स, मैटरनल हाइपोटेंशन है सेकेंडरी टू एपिड्यूरल तो उसको रिवर्स कर दें बाय गिविंग वैसोकंस्ट्रिक्टर लाइक एफिड्रिन, यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन फ्रॉम एक्सेस ऑक्सीटोसिन कैन बी ट्रीटेड बाय टर्निंग ऑफ द इन्फ्यूजन टेम्परेरली, और वीनो केवल कंप्रेशन जो है उसको रिड्यूस करने के लिए कहें कि माँ लेफ्ट लेटरल पोजिशन पर लेट जाए। पेन रिलीफ के कितने तरीके हैं लेबर में, पेन रिलीफ के लेबर में जितने भी तरीके हैं उससे पहले मदर से पूरी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है, प्रीवियस ऑब्स्ट्रेटिक रिकॉर्ड लेना है, पूछना है इफ देर इज़ एनी एलर्जिक रिएक्शन टू एनी ड्रग, या प्रीवियस अगर डिलीवरी में लिया था नहीं लिया था तो सारा प्रीवियस रिकॉर्ड लेना है। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल मैथड होता है जैसे रिलैक्सेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, हिप्नोसिस और इवन जो है ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकिंग पेन फाइबर इन पोस्टीरियर गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड। फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में हम आईएम देते हैं पैथिडीन या डायमॉर्फिन ऑपियोइड्स में से कोई भी, साइड इफेक्ट्स ऑपियोइड्स में से नॉजिया वॉमिटिंग एस्कुलिन एंटीमेटिक से साथ देते हैं, मैटरनल ड्रोजिनेस एंड सेडेशन, डिलेड ए गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ जनरल एनेस्थीजिया, शॉर्ट टर्म रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ऑफ द बेबी, वो शॉर्ट टर्म रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्यों होता है बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर ऑपियोइड्स, उसमें मार्टीवी सीएनएस को भी इनहिबिट किया, पॉसिबल इंटरफेयर्स विद ब्रेस्ट फीडिंग। ओपीआईड्स आई एम देते हैं, आप सबकोटिन्यूस और इंट्रावीनस इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं वाया पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक डिवाइस। पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक डिवाइस का फायदा यह कि अब पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा पेन हो गई तो वो खुद ही इंक्रीज कर देते हैं डोज। इनहेलेशन एनाल्जेसिया भी देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिक्स करके एंटोनॉक्स के नाम से आती है, इट इज़ क्विक इन आंसर, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट एंड मोर इफेक्टिव देन पैथिडीन, इट कॉजेज लाइट हेडनेस एंड नॉजिया, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग यूज़ है तो उसके लिए फेवरेबल नहीं है बिकॉज इट मे कॉज हाइपोकैप्निया, डिजीनेस एंड रेयरली टेटनी एंड फीटल हाइपोक्सिया, साइड इफेक्ट इसका यूफोरिया। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया ऑब्वियसली एपिड्यूरल एक्स्ट्रा ड्यूरल लगता है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, प्रोलॉन्ग लेबर है, ऑक्सीटोसिन इंप्लांटेशन कर रहे हैं, पेन बहुत हो रही है, मैटरनल हाइपोटेंसिव डिसऑर्डर, मल्टीपल प्रेगनेंसी, सिलेक्टेड मैटरनल मेडिकल कंडीशंस, अ हाई रिस्क ऑफ ऑपरेटिव इंटरवेंशन, इसके इंडिकेशन में हम लगा सकते हैं एपिड्यूरल। बट अगर कोगुलेशन डिसऑर्डर है, लो प्लेटलेट काउंट, लोकल और सिस्टेमिक सेप्सिस, हाइपोवोलेमिया, या फिर इनसफिशिएंट नंबर्स ऑफ ट्रेंड स्टाफ जिनको नहीं पता कैसे लगाते हैं, तो फिर प्लीज़ मत लगवाएं बिकॉज देर आर नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन, होल पेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो के हो जाती हैं। अगर खुदा ना खास्ता एपिड्यूरल में जो नीडल भेजनी थी, एपिड्यूरल स्पेस में जो नीडल भेजनी है, वो एपिड्यूरल में जाने के बजाय थोड़ा सा और आगे सब एरेक्नॉइड स्पेस में चले जाए और थोड़ा सा लीकेज हो जाए तो इट लीड्स टू स्पाइनल हेडेक। ब्लैडर डिसफंक्शन अक्सर करा देते हैं बिकॉज एपिड्यूरल में ब्लैडर इज़ अलाउड टू ओवरफिल एंड द वुमन इट्स शी इज़ अनअवेयर द नीड टू मिक्सचर, अर्ज होती नहीं तो कैथेटराइजेशन करते हैं ऐसी खबरें का, लीड्स टू हाइपोटेंशन वाई बिकॉज पता है सिंपैथेटिक टोन को वो डिसरप्ट कर देता है। एक्सीडेंटल टोटल स्पाइनल एनेस्थीजिया, एक्सीडेंटल टोटल स्पाइनल एनेस्थीजिया में क्या होता है कि एक्सीडेंटली सारा एपिड्यूरल वो सबअरकनॉइड स्पेस में, सब एपिड्यूरल एपिड्यूरल स्पेस में जाने के बजाय सबअरकनॉइड स्पेस में गलती से चला जाता है, तो जी बस फिर सीवियर हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी फेलियर, अनकॉन्शियसनेस, डेथ इफ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रीटेड इमीडिएटली। ट्रीटमेंट क्या करनी है, माँ को फॉरन इंट्यूबेट करें, वेंटिलेशन एंड सर्कुलेटरी सपोर्ट, हाइपोटेंशन मस्ट बी ट्रीटेड बाय इंट्रावीनस फ्लूइड्स एंड वैसोप्रेसर्स, एंड पोजीशन ऑफ द वुमन शुड बी ऑन लेफ्ट साइड, अर्जेंट डिलीवरी ऑफ द बेबी मे बी रिक्वायर्ड टू ओवरकम ऑटोकेबल कंप्रेशन, शॉर्ट टर्म रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ऑफ द बेबी भी हो सकते हैं बिकॉज एपिड्यूरल में ऑपियोइड्स भी डालते हैं मिक्स विद लोकल एनाल्जेसिक। टेक्निक क्या है कि खातून को कहते हैं कि वुमन बैक क्लेंस, उसे साफ किया जाता है क्लीन एंड लोकल एनेस्थेटिक दिया जाता है, वहाँ पे वुमन इज आस्क्ड टू बी ऑन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन और फ्लेक्शन में हो, अपर स्पाइन फ्लेक्शन है, हिप्स हेल्प अपर स्पाइन के और हिप्स की फ्लेक्शन इट हेल्प्स टू ओपन द स्पेसेस बिटवीन द वर्टिब्रा। हमें सेप्टिक टेक्निक से L2-L3 में, L2-L3 में, L3-L4 में, L4-L5 में इंसर्ट करते हैं नीडल को और एपिड्यूरल स्पेस में लेकर जाते हैं विच contains blood vessels, nerve roots and fat. The catheter is aspirated. Aspirate करते हैं कि चेक करने के लिए कोई ब्लड तो नहीं है, ऐसे सब तो नहीं है, फिर टेस्ट डोज देते हैं, उस टेस्ट डोज का कोई वैसे है तो नहीं, इसमें कोई इतने ज़्यादा सेंसली इफेक्ट नहीं होता, दिस टेस्ट डोज इज स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लोकल एनेस्थेटिक दैट वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू हैव क्लिनिकल इफेक्ट इफ इन डीड इट हैज़ नो ऑब्वियस इफेक्ट ऑन द सेंसेशन ऑफ लोअर लिम्ब।
अगर करेक्टली दिया गया, लेकिन अगर खुदा ना खासा इस सब्र कनाट स्पेस में लाटर पर चला गया था और कैथेटर इनकरेक्टली गया है, इट कैन कॉज सेंसरी ब्लॉक, लेग वीकनेस, पेरिफेरल वैसोडायलेशन, कैथेटर हैज़ बीन इंसर्टेड टू फार एंड सब्र कनाट स्पेस, स्पाइनल स्पेस ब्रीच हो गई है। एपिडुरल सॉल्यूशन में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक बुपिवकिन एंड ओपियोइड जैसे कि फेंटनाइल, कॉम्बिनेशन ऑफ ओपियोइड विद लोकल एनेस्थेटिक रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक रिक्वायर्ड एंड रिड्यूसेस द मोटर ब्लॉकेज एंड पेरिफेरल ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ एपिडुरल, लाइक हाइपोटेंशन की ज़्यादा नहीं होती अगर हम बुपिवकिन मिक्स करें। अ फॉल इन द ब्लड प्रेशर में रिजल्ट फ्रॉम द वैसोडायलेशन कॉज बाय द ब्लॉकिंग ऑफ द सिंपैथेटिक टोन, ये तो मैंने बता दिया था, और तो हम उसके लिए वैसोकंस्ट्रक्शन कराने के लिए वैसोकंस्ट्रक्टर एपिडुरिन दे देते हैं। एंड कभी भी खातून को ये नहीं कहना कि स्पाइन में ऑटोकेबल पोजीशन कंप्रेशन हो सकती है, तो इसलिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रहते हैं। ऑटोकेबल कंप्रेशन होगी तो मटरनल कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, इट कैन कॉज फीटल प्लेसेंटल कंप्रोमाइज, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ एपिडुरल इन्फ्यूजन इन द सेकंड स्टेज में इंक्रीज द मटरनल अवेयरनेस टू पुश, तो वो खुद मैकेनिकल पुश देती है। स्पाइनल एनेस्थीसिया ये सब्र कनाट स्पेस में लगता है, इट इज़ अ फास्टर ऑनसेट, सब्र कनाट स्पेस में CSF होता है, नीडल इज विदड्रॉन, नीडल डाली जाती है, अ फाइन गॉज एट्रोमेटिक स्पाइनल नीडल, तो नीडल बाद में डाल के निकाल दी जाती है, तो जो गॉज अब वहीं रहता है, एंड इट मे बी यूज एज एनेस्थीसिया फॉर, इट मे बी यूज एज एनेस्थीसिया फॉर सिजेरियन सेक्शन, ट्रायल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज इन थिएटर, मैनुअल रिमूवल ऑफ रिटेन प्लेसेंटा एंड द रिपेयर ऑफ द डिफिकल्ट पेरिनियल एंड वजाइनल टीयर्स, कंबाइंड स्पाइनल एपिडुरल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, इट हैज़ गेन पॉपुलरिटी। लेबर इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, अगर यूट्राइन स्कार है किसी खातून का, यूट्राइन स्कार है उसके पहले भी सिजेरियन सेक्शन हुए हैं, तो उसको फिर सिजेरियन सेक्शन ही करते हैं। साइन ऑफ द यूट्राइन रप्चर इंक्लूड सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन, यूट्राइन अगर रप्चर हो गया, सपोज यूट्रस रप्चर हो गया, तो लोअर एब्डोमिनल पेन होगी, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, हिमाचूरिया सेसेशन ऑफ द कंट्रैक्शन, एकदम खातून पहले बहुत ज़्यादा चीखें मारी होगी कि दर्दें हैं, और एकदम वो कहेगी मुझे दर्द ही है, बस थोड़ी सी दर्द है, दर्दें चली गई, तो जब वो कहे दर्दें चली गई हैं इसका मतलब आपकी सर्द की दर्दें भर जानी चाहिए बिकॉज उसका यूट्रस रप्चर हो चुका है। लोअर एब्डोमिनल पेन, वजाइनल ब्लीडिंग, हिमाचूरिया सेसेशन ऑफ कंट्रैक्शन, यूट्रस कंट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि ऑब्वियसली यूट्रस हैज़ रप्चर्ड, मटरनल टैकीकार्डिया, फीटल कॉम्प्रोमाइज, ऑफन ब्रैडीकार्डिया हो जाता है। यूट्रस रप्चर कैरी सीरियस मटरनल रिस्क, शॉक जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, ऑपरेटिव रिपेयर पॉसिबल हिस्टेरेक्टमी। लेबर आफ्टर अ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, अगर से एक सिजेरियन सेक्शन के बाद वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, मतलब एक सिजेरियन सेक्शन के बाद अब जो डिलीवर करना है वो वजाइनली डिलीवर करना है, तो उसे कहते हैं VBAC, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। उसके लिए वैसे ट्रायल के लिए बुलाते हैं, ट्रायल देते हैं, अगर तो मोस्टली 70-80% सक्सेसफुल हो जाता है, बट अगर 2-3 उसके पहले सिजेरियन सेक्शन हुए तो फिर उसका तीसरा भी सिजेरियन सेक्शन ही करते हैं। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन टू वजाइनल बट आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, टू और मोर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुए तो और स्कार पड़े हुए, तो इसका मतलब ये कि अब उसके दोबारा सिजेरियन सेक्शन होगा, वजाइनल ही नहीं होगा। नीड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, प्रीवियस लेबर आउटकम सजेस्टिव ऑफ CPD, अगर CPD है तो फिर तो उसको वजाइनल ही नहीं कर सकते ना। प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। How mal presentations deliver? Breech presentation, they are 3 in 100, 3% होते हैं breech, तो उन्हें deliver कैसे करते हैं, उन्हें deliver कैसे करते हैं उसके तो सारे steps बताए हुए हैं, लेकिन ऐसे mal presentations कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में, एक तो breech presentation होती है, complication of breech labor and delivery। complication breech delivery में क्या है, there is an increased risk of cord prolapse, अगर तो ये है ना एक था फुटलिंग ब्रीच, फुटलिंग ब्रीच में मोस्टली कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, पर्टिकुलरली इन द फुटलिंग ब्रीच। इंक्रीज रिस्क ऑफ CTG एबनॉर्मेलिटीज एज कॉर्ड कंप्रेशन इज कॉमन। मैकेनिकल डिफिकल्टीज एट द टाइम ऑफ द लेबर, शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है एंड और आफ्टर कमिंग हेड लीडिंग टू डैमेज ऑफ द विजरल ऑर्गन एंड ब्रेकियल प्लेक्सस। डिले इन द डिलीवरी ऑफ द हेड में अकर विद लार्ज फीटस लीडिंग टू प्रोलॉन्ग कंप्रेशन, इतना प्रोलॉन्ग कंप्रेशन ऑन द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड इसफिक्स लीडिंग टू डिले इन द डिलीवरी ऑफ द हेड। अनकंट्रोल्ड रैपिड डिलीवरी ऑफ द हेड में अकर इन स्मॉल फीटस एंड प्रीडिस्पोसेस टू टेंटोरियल टीयर्स एंड इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। स्कल के टीयर्स भी आ सकते हैं। स्मॉल और प्रीटर्म फीटस में डिलीवर थ्रू इनकम्प्लीट डायलेटेड सर्विक्स रिजल्टिंग इन द हेड इंट्रैपमेंट, कि बॉडी तो डिलीवर हो गई है, हेड फंस गया। फेशियल प्रेजेंटेशन, फेशियल प्रेजेंटेशन क्यों होती है, व्हेन देयर इज एक्सेसिव टोन ऑफ द एक्सटेंशन मसल, या फिर देयर इज फेटल नेक में कोई थायरॉइड ट्यूमर है, सिस्टिक हाइग्रोमा है, तो ये सब नेंटोब्रिग्मेटिक प्रेजेंट करते हैं 9.5 सेंटीमीटर से। और इफ़ द प्रोग्रेस इन द लेबर इज गुड एंड चिन जो है, चिन इट रिमेंस मेंटो एंटीरियर, जैसे हमारे था ऑक्सीटो एंटीरियर, ऑक्सीटो पोस्टीरियर, अगर अब फेशियल प्रेजेंटेशन है मेंटो चिन से अब बाहर निकलेंगे, चिन एंटीरियरली है तो गुड एंड द डिलीवरी इज पॉसिबल, अगर चिन पोस्टीरियर है तो नहीं भाई, नहीं डिलीवरी इज इम्पॉसिबल एज एक्सटेंशन ओवर द पेरिनियम कैन नॉट अकर। रो प्रेजेंटेशन है हमारे पास, मेंटो वर्टिकल प्रेजेंट करता है 13.5, तो इट इज़ इनकम्पेटेबल विद वजाइनल डिलीवरी। शोल्डर प्रेजेंटेशन, अगर जैसे 1 in 300
ट्रांसवर्स और ऑब्लिक लाए द फीटस होते हैं. क्यों? बिकॉज क्यों हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, एज इन केसेज विद प्लेसेंटा प्रीविया, हाई पैरेटी पेल्विक ट्यूमर, यूट्राइन एनोमली, ऐसे केसेज में चलें. शोल्डर प्रेजेंटेशन केसेज में भी वजाइनल डिलीवरी इज़ डिफिकल्ट, मैल प्रेजेंटेशन में आती है. इफ़ इट इज़ मल्टीपल प्रेगनेंसीज, 180 प्रेगनेंसीज मल्टीपीटल. ओके, इसका ये रूल होता है कि अगर पहला पेल्विक रूल को मैं बाद में बताती हूँ, इट कैन बी बोथ, दोनों ट्विंस फैलिक हो सकते हैं, एक ब्रीच एक सेफेलिक में आ सकता है, दोनों एक सेफेलिक और एक ब्रीच, पहला वाला ब्रीच दूसरा वाला सेफेलिक हो सकते हैं या दोनों ब्रीच हो सकते हैं. इसका रूल है कि अगर पहला सेफेलिक डिलीवर हुआ है तो फिर दूसरा भी को भी सेफेलिक डिलीवर करना है. एज लेट सपोज ये पहला सेफेलिक डिलीवर और दूसरा ब्रीच है तो इसको भी सेफेलिक डिलीवर करना है. लेकिन अगर पहला ब्रीच है तो ये तो सीजेरियन सेक्शन में डिलीवर होगा तो इसको भी फिर सीजेरियन सेक्शन में निकालना. इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर को इंड्यूस कब कब करते हैं? अगर पोस्ट डेट्स प्रेगनेंसी ऑफ 42 वीक से ज़्यादा हो जाए, गेस्टेशन आर एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ, फीटल कॉम्प्रोमाइज इन लेबर, मीकोनियम एस्पिरेशन, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स एंड डिलीवरी, उसी सिचुएशन में, या फिर प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए, लॉन्गर द डिले बिटवीन द मेम्ब्रेन रप्चर एंड द डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकती है, कोरियोमियोनाइटिस हो सकता है, मटरनल इन्फेक्शन, मटरनल इन्फेक्शस मॉर्बिडिटी हो सकती है. प्री एक्लेम्प्शन या अंडर मटर्नल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स में ऐसी केस, डायबिटीज, ट्विन गेस्टेशन, इंट्रा हेपेटिक कोलिस्टियासिस ऑफ प्रेगनेंसी, जो 38 वीक्स पर गेस्टेशन में वहाँ इंड्यूस करना पड़ जाए तो वी गिव IOL. इन सस्पेक्टेड मटर्नल फीटल मैक्रोसोमिया, इफ इट इज़ सस्पेक्टेड तो फिर तब दें. सोशल इंडक्शन, इट इज़ कंट्रोवर्शियल बट इफ़ द वुमन नीड्स तो फिर दे दें. देर आर नंबर ऑफ एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ मटरनल हेल्थ, मटरनल कंडीशन इज डिटरेटिंग लाइक इंट्रा पार्टम हेमरेज या सीवियर फीटल कॉम्प्रोमाइज, प्री एक्लेम्प्शिया या कार्डिक डिजीज में, उसमें भी नहीं. ब्रीच में तो देनी ही नहीं, इंडक्शन ऑफ लेबर करनी ही नहीं. सीजेरियन बर्थ, क्योंकि ब्रीच की तो मोस्टली विद द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सीजेरियन बर्थ तो उसकी सीजेरियन ही होती है, और अगर हम इंड्यूस करते हैं तो यूटरिन रप्चर हो सकता है. प्रीटर्म इंडक्शन एट लेस दैन 34 वीक्स इज एसोसिएटेड विद मच ग्रेटर रिस्क, मच हायर रिस्क ऑफ फेलियर एंड सब्सिक्वेंट नीड ऑफ सीजेरियन सेक्शन. उनका सीजेरियन सेक्शन ही करें. इंडिकेशन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, अभी इसको लिस्ट कर देते हैं. प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, प्रॉम, प्री एक्लेम्प्शिया, एक्लेम्प्शिया, FGR, DM, फीटल मैक्रोसोमिया, डिटरिएटिंग मैटरनल इलनेस, अनएक्सप्लेन्ड इंट्रा पार्टम हेमरेज, ट्विन प्रेगनेंसी कंटिन्यूइंग बियॉन्ड 38 वीक्स, इंट्रा हेपेटिक कोलिस्टियासिस ऑफ प्रेगनेंसी, मटरनल आइसोइम्यूनाइजेशन अगेंस्ट रेड सेल एंटीजन एंड सोशल रीजंस. बायोशॉप स्कोर बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स द नेचुरल प्रिपरेशन ऑफ लेबर. क्या है खातून नेचुरली प्रिपेयर है लेबर के लिए? नहीं. ये चार चीज़ें सर्विक्स की होती है और एक स्टेशन नंबर, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, लेंथ ऑफ द सर्वाइकल कैनाल पोजीशन एंड स्टेशन. स्टेशन जीरो होना चाहिए बेस्ट के लिए, जीरो या +1 +2. पोजीशन ऑफ द सर्विक्स शुड बी एंटीरियर, शुड मूव फॉरवर्ड. लेंथ ऑफ द सर्विक्स छोटी होती है एंड पे फेज हो जाती है. कंसिस्टेंसी शुड बी सॉफ्ट फेम, डायलिटेशन इट शुड बी फाइबर मोड हो, तो ये स्कोर 3 होता है एंड इट इज़ द बेस्ट वन. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द इंडक्शन ऑफ द लेबर? एक तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन भी कर सकते हैं. मेथड्स यहाँ पूरे सारे कंपाइल करके हैं. ARM भी कर सकते हैं, मेम्ब्रेन स्वीप कर दें, ग्लव पहने और ग्लव से सर्विक्स के अंदर जो है कोरियन को अलग कर दें सर्विक्स से. मेम्ब्रेन स्वीप ऑफन वीकली फ्रॉम 40 वीक्स, इट रिलीज प्रो जस्ट रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सर्विस मस्ट बी फेवरेबल, तो इससे भी इंडक्शन हो जाती है. ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, इट ऑगमेंट्स मेम्ब्रेन रप्चर फर्स्ट एंड देन स्पॉन्टेनियस और आर्टिफिशियली रप्चर करके मेम्ब्रेन को हम ऑगमेंट कर देते हैं विद ऑक्सीटोसिन. मिफेप्रोस्टॉन या मिसोप्रोस्टॉल फॉर इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ. अगर इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ हो चुकी है तो डू नॉट परफॉर्म ARM बिकॉज इट कैन कॉज एम्बोलिज्म. मिसोप्रोस्टॉन या मिफेप्रोस्टॉन एंटी प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन के एंटागनिस्ट देके इंड्यूस करें लेबर को इन केस ऑफ इंट्रायूटरिन फीटल डेथ. प्रोस्टाग्लैंडिन E2 वजाइनली पोस्टीरियर फॉर्निक्स पर रख देते हैं एज अ टैबलेट, जेल और पेस्ट्री. ये 3 mg प्रोस्टिन की टैबलेट होती है. ऑक्सीटोसिन का स्टेप अप कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं, मेम्ब्रेन स्वीपिंग कर सकते हैं. सो दिस ऑल इंड्यूसेस द लेबर. कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, बहुत ज़्यादा पेन होती है, मोर पेन विद इंड्यूस लेबर. इट कैन लीड टू PPH, फीटल कॉम्प्रोमाइज में जा सकता है. अ कंट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटर दैन 5 per 10 minutes, तो ऑब्वियसली इतनी कंट्रैक्शन हो रही है तो फीटल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है उसका ब्रीदिंग, उसकी ब्लड सप्लाई. हाँ, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन में प्रिसिपिटेड फीटल ब्रैडीकार्डिया. B2 एगोनिस्ट टर्बुटालिन दें टू रिलैक्स द कंट्रैक्शन. और हाइपर स्टिमुलेशन कैन कॉज फीटल ब्रैडीकार्डिया. ARM इफ इट इज़ परफॉर्म विद द फीटल हेड इज क्वाइट हाई, इट कैन कॉज कॉर्ड टू लैप्स. क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट जो हैं वो हैं
के फोकस ऑन सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर, क्लिनिकल ऑडिट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्लिनिकल इंसिडेंट रिपोर्टिंग, रूट कॉज एनालिसिस ऑफ एडवर्स इवेंट्स, सिस्टम्स ऑफ कंप्लेंट्स एंड क्लेम्स हैंडलिंग, गाइडलाइंस एंड रिसर्च सर्विस डेवलपमेंट. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. जज़ाकल्लाह खैर.